नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा में शिक्षकों एवं अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अंतिम तिथि क्या होगा आवेदन करने का, आप लोगों को मासिक वेतन कितना दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो भर्ती किया जाना है वो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जांजगीर चांपा में भर्ती किया जाना है। विज्ञापन जारी किया गया है 29 जुलाई 2021 को। व्याख्याता, प्रधान, पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं अन्य कालीन स्टाफ के पदों पर भर्ती किया जाना है। इच्छुक आवेदक अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 11 अगस्त 2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, jajgirchapa.gov.in पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दिए गए तिथि के बाद अगर आप लोग आवेदन करते हो तो वो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग यहाँ पद का नाम देख सकते हो, विषय देख सकते हो, हिंदी माध्यम के लिए कितने पदों पर भर्ती किया जाना है ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, अंग्रेजी माध्यम के लिए कितना पदों पर भर्ती किया जाना है और वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो। व्याख्याता, हिंदी के लिए टोटल पदों की संख्या 2 है। अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, रसायन के लिए पदों की संख्या 1-1 है। गणित के लिए टोटल पदों की संख्या 2, जीव विज्ञान के लिए 1, सामाजिक अध्ययन के लिए 1, वाणिज्य के लिए पदों की संख्या 1 है। व्याख्याता को मासिक वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो टोटल पदों की संख्या 1 है, मासिक वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए पदों की संख्या 1, मासिक वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। शिक्षक अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी के लिए जो टोटल पदों की संख्या है 1-1 है, मासिक वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक कला समूह और विज्ञान समूह के लिए जो टोटल पदों की संख्या 2-2 है, मासिक वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो पदों की संख्या 1, मासिक वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। ग्रंथपाल के लिए पदों की संख्या 1 है, मासिक वेतन दिया जाएगा 22,400 रुपये। प्रयोगशाला सहायक के लिए पदों की संख्या 3 है, मासिक वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। व्यायाम शिक्षक के लिए पदों की संख्या 1 है, मासिक वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए पदों की संख्या 1-1 है। सहायक ग्रेड 2 को मासिक वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये और सहायक ग्रेड 3 को मासिक वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपये। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बलौदा के लिए जो पद निकाला गया है वो सेम है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, वही पद यहाँ भी निकाला गया है। व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक, सहायक शिक्षक, इन सभी पदों पर यहाँ के स्कूलों में भी भर्ती किया जाना है। बमनीडीह के स्कूलों के लिए भी व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, सहायक शिक्षक, शिक्षक, ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, इन सभी पदों के लिए भर्ती किया जाना है। पामगढ़ के विद्यालय में भी व्याख्याता, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक, ग्रंथपाल, लेखापाल, इन सभी पदों पर यहाँ के स्कूलों में भी भर्ती किया जाना है। चंद्रपुर में भी सेम पद निकाला गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और जैजपुर के विद्यालय में भी सेम पदों पर भर्ती किया जाना है, आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। डबरा में भी भर्ती किया जाना है, व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक, सहायक शिक्षक, इन सभी पदों पर भर्ती किया जाना है। व्याख्याता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो आवेदक हिंदी माध्यम के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। व्यवसायिक योग्यता होना चाहिए, बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में स्नातोत्तर की उपाधि होना चाहिए। निम्न विषयों में आप लोग यहाँ पर विषय देख सकते हो। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड, डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ मान्यता प्राप्त मंडल से 50% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। आप लोग सहायक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, ग्रंथपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और दोस्तों आप लोग पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, jhandagirtapa.gov.in पर जाकर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी काम की वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।